नमस्कार मित्रों, आज हम समझेंगे विवाह पद्धति के विषय में, संपूर्ण विवाह के बारे में, यानी विवाह में क्या क्या होता है, संपूर्ण चीज़ों को मैं क्रम से आपको बताऊंगा। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, विवाह के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी, तब भी आपको इन विषयों को जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। आइए प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले विवाह में होता है मंडप पूजन। ये मंडप पूजन है, ये सबसे पहले किया जाता है। मंडप पूजन में क्या क्या कार्य होते हैं, चार वाश को गाड़कर उनके ऊपर कुछ पत्ते, आम आदि के पत्ते डाले जाते हैं, जिससे मंडप बनता है। बीच में गणेश गौरी को रखकर, कलश को रखकर एक खम्भ गाड़ा जाता है, उसके द्वारा मंडप पूजन किया जाता है, और उसके बाद पर को हल्दी आदि चढ़ाई जाती है। ये पूरा क्रम बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरे नंबर पर आता है द्वार पूजन। ये मंडप पूजन हो गया, फिर दूसरे दिन जब बारात द्वार पर पहुंच जाती है लड़की वालों के यहाँ पे, तो वहाँ पर द्वार पूजन किया जाता है। द्वार पूजन में क्या क्या होता है, लड़के को उतारा जाता है घोड़े से, और लड़की का भाई और दूल्हा लड़का गले मिलते हैं, और वहाँ पर तिलक लगाया जाता है, और पान आदि खिलाकर दोनों को आपस में माला पहनाते हैं दोनों, लड़की का भाई और लड़का वो गले मिलते हैं। उसके बाद में ये लोकाचार है, ये कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। उसके बाद में लड़का मंडप के नीचे जाता है और अपने हाथ में जो बीजना होता है उसे मंडप के ऊपर फेंकता है, और लड़की लड़के के ऊपर चावल फेंकती है। ये कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर फिर वरमाला का प्रोग्राम होता है, ये पुस्तक से भी समझाऊँगा मैं। अभी क्रम देख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में अपन पुस्तक में थोड़ी और विस्तार से भी समझेंगे। चौथे नंबर पर होता है वरमाला। तो वरमाला तो खैर साहब आप जानते ही होंगे, वरमाला किस तरह से की जाती है। लड़का लड़की आपस में वरमाला पहनाते हैं, फिर सब आशीर्वाद उन्हें देते हैं। पांचवें नंबर पर फिर मंडप के नीचे होता है गनाना, इसे गनाना कहते हैं। कहीं कहीं पर इसके अन्य अन्य नाम होते हैं। तो गनाने में क्या होता है, लड़की के पक्ष के, वर पक्ष के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि फूफा जी, लड़के के पिताजी, लड़की के जीजा जी आदि, वह लड़की के लिए सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र आदि लाते हैं, जो कि मंडप के नीचे लड़की के लिए दिए जाते हैं। लड़की गणेश गौरी का पूजन करती है, उसके बाद में उसे ये वस्त्र आदि दिए जाते हैं। फिर प्रारंभ होता है कन्यादान का प्रोग्राम। नंबर छः से हम कन्यादान को समझेंगे। का नंबर पे कन्या के पिता वर का हाथ पकड़कर वर को मंडप के नीचे लाते हैं। कन्या के जो पिताजी हैं वो वर का हाथ पकड़ेंगे और उसे दाहिने हाथ से उसके हाथ को पकड़ के उससे कहेंगे कि आप मंडप के नीचे चलें, मंडप के लिए चलाते हैं। नंबर दो, वर को दाहिने हाथ दुल्हन को बैठाएं। अब जो वर आ गया है मंडप में बैठ गया, उसके बाद दुल्हन आती है, तो दुल्हन को दूल्हे के दाहिने हाथ पर बैठाते हैं, दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है। फिर क्या करती हैं, कन्या का पिता माता, कन्या के जो माता पिता हैं, गणेश गौरी का, नवग्रह का, षोडश मातृका का, शिव गौरी का, चार वेद का, सप्त सागर का और कलश का पूजन करती हैं। इन सबका कन्या के जो माता पिता हैं वह पूजन करते हैं। फिर मधुपर्क होता है। इसमें मधुपर्क में क्या होता है, इसमें लड़के का स्वागत किया जाता है। इसमें दूध दही शहद को एक दोना में रखकर और लड़के को चखाया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। फिर गंगा जी पूजन, गंगा जी मंगवाई जाती हैं। फिर गंगा जी मंगवाई जाती हैं और जब गंगा जी को लेने के लिए जाती हैं व्यक्ति, यानी वहीं से किसी पास के जलाशय से या जहां पर भी पानी उपलब्ध हो साफ, वहां से एक लोटा भरवा के मंगवाया जाता है। उसके बाद में गोत्रोचार साखोच्चार किया जाता है, यानी दोनों परिवारों के तीन तीन पीढ़ियों के नाम लिए जाती हैं, वंशावली बोली जाती है, और भगवान राम आदि की स्तुति में कुछ गीत जो हिंदी में रहते हैं उन्हें पंडित गाते हैं। फिर गंगा जी का पूजन किया जाता है। फिर कन्यादान का संकल्प करते हैं, और कन्यादान के संकल्प के बाद में कन्या के हाथ में आटे की लोई आदि रखते हैं, और नीचे माता पिता हाथ लगा के कन्यादान का संकल्प करते हैं और कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंपते हैं। उसके बाद में माता पिता वर कन्या के पैर धुलते हैं, आचमन करते हैं, और उसके बाद में पैर पूजे जाते हैं, पैर का पूजन किया जाता है, हल्दी आदि पैर से लगाई जाती है, और यहीं पर हाथ भी पीले किए जाते हैं। यहाँ पर हाथ पीले करना, कन्या के जो माता पिता हैं वह हाथ पीले करते हैं
कन्या की ओंपर की। उसके बाद में फेरों का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। दूल्हा दुल्हन सब भगवान यानी जो मंडप में बैठे हैं, नवग्रह, गणेश, गौरी, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका और कलश भगवान आदि, उनकी पूजा करते हैं भगवान शंकर गौरी की। और उसके बाद में फेरे होती हैं, कन्या को खड़ा करके वर का हाथ पकड़ा के कन्या को आगे करती हैं। कन्या 3 फेरे लेती है। उसके बाद में दोनों का गठबंधन किया जाता है, फिर वर आगे होता है, फिर 4 फेरे होते हैं। इस तरह से दोनों के 7 फेरे कंप्लीट हो जाते हैं। फेरों के बाद में दुल्हन दूल्हे के बाएं साइड में बैठती है, ठीक है। फेरे होने के बाद में दुल्हन जो है वो दूल्हे के बाएं साइड में बैठ जाती है। फिर नंबर 9 पर सप्तपदी 7 वचन होते हैं। सप्तपदी यानी 7 चावल की ढेरियाँ रखकर और रख दी जाती हैं। उसे कन्या अपने दाहिने पैर के अंगूठे से छूती है, ये सप्तपदी माना जाता है। उसके बाद में 7 वचन होते हैं। कन्या 7 वचन अपने पति से कहती है। तो 7 वचनों पर भी मैं एक कम्प्लीट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें। अगर आपको इच्छा हो तो मैं 7 वचनों पर कन्या लड़की जो 7 वचन कहती है और लड़का जो 5 वचन कहता है उस पर मैं आपके लिए कम्प्लीट वीडियो बना दूंगा। तो सप्तपदी 7 वचन होते हैं। उसके बाद में मांग भरता है दूल्हा और उसके बाद में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। उसके बाद में बिछुड़ी आदि पहनाई जाती हैं स्त्रियों के द्वारा। और उसके बाद में ध्रुव दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य सुबह हो गया हो तो सूर्य दर्शन और अगर रात्रि बची हो तो ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं। इस तरह से इस क्रम से विवाह संपन्न हो जाता है। और ये पुस्तक है, इसमें से विवाह कराया जाता है। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ सप्तवचन आदि को कैसे बोला जाता है, 7 वचनों में क्या क्या बोला जाता है, वह मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये देखिए सप्तपदी, ये सप्तपदी हो गए, ये पुराणोक्त सप्तपदी श्लोका है, ये 7 वचन है। यहाँ से कन्या ने कहे, पति ने मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए तथा देवी का पूजन भी किया, इसी से आप पति रूप में हमें प्राप्त हुए। आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं, गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसमें आप सदा शांत चित्त रहें, यह आपसे मेरी पहली मांग है। इस तरह से 7 वचनों को कन्या मांगती है। तो अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं इस पर भी वीडियो को जरूर बनाऊंगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आप चाहें तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं, बेल आइकन ज्वाइन बटन को दबाकर चैनल के मेंबर ज़रूर बने। और आप अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों के कई बार कमेंट्स आए थे कि आप इंस्टाग्राम आईडी या जो दूसरे संपर्क के साधन हैं उन्हें भी बताएं। तो इंस्टाग्राम आईडी जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखी है, वहाँ पर आप जाकर उसे फॉलो करें, इंस्टाग्राम से जुड़ें। धन्यवाद।